नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण दरेकर सोमवार को केंद्रीय सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए MRA मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो कार्यक्रम में जाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं मिलने से नाराज राज्यपाल ने कहा, भाड़ में जाए हेलीकॉप्टर। वहीं एजेंसी लेने का सुझाव देने वाले एक बाबा समेत 5 लोगों के खिलाफ चेले की ही शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। इसी बीच मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी और मनसे के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो उधर BMC मुंबई के 24 उद्यानों में मुफ्त लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। यहाँ आकर कोई भी प्राकृतिक वातावरण में किताबें पढ़ने का आनंद उठा सकता है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण दरेकर सोमवार को केंद्रीय सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए MRA मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। दरेकर को 31 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। दरेकर के समर्थन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद रहे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव धनंजय शिंदे की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 14 मार्च को दरेकर के खिलाफ MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था। आरोप में उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता दरेकर ने बैंक का चुनाव लड़ने के लिए मजदूर बनकर सरकार और MDCCCB को धोखा दिया है। यही नहीं, दरेकर ने बैंक के संचालन रहते करोड़ों का घोटाला भी किया। सहकारिता विभाग ने दरेकर को मजदूर मानने से इनकार कर दिया और उन्हें 20 साल बाद संचालक पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी बीच प्रवीण दरेकर ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मेरा पक्ष सुने बिना FIR दर्ज की थी। मैंने अदालत में इस बात पर आपत्ति जताई थी। अब पुलिस ने मुझे नोटिस देकर बुलाया तो मैं पुलिस के सवालों के जवाब देने खुद आया हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पालघर के विरार स्थित अरनाला गांव में एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं मिल सका। इससे नाराज राज्यपाल ने अपने अधिकारियों से कहा कि हम सड़क मार्ग से कार्यक्रम में जाएंगे। दरअसल राज्यपाल को राजभवन से लगभग 80 किलोमीटर दूर विरार के अरनाला गांव में सामाजिक संस्था नूतन गुलगुले फाउंडेशन के स्वानंद सेवा सदन नामक हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए जाना था। इसके बाद राज्यपाल को इतनी ही दूरी पर आगे एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना था। कोश्यारी के इस दौरे के लिए राजभवन कार्यालय ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन राजभवन कार्यालय को बताया गया था कि राज्यपाल के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके बाद राज्यपाल ने सभी कार्यक्रमों को सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। राज्यपाल ने कहा था कि सरकार महत्वपूर्ण कामों के लिए सहयोग करे अथवा नहीं, लेकिन बाधा तो नहीं डालनी चाहिए। राज्यपाल ने हॉस्टल के लिए अपने विवेकाधीन निधि से 25 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित और बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक हितेंद्र ठाकुर भी मौजूद थे। इससे पहले भी राज्यपाल को उत्तराखंड के मसूरी जाने के लिए सरकार का विमान नहीं मिल पाया था, जिसके बाद उन्हें विमान से उतरकर राजभवन वापस लौटना पड़ा था। चेले को पिज्जा बर्गर की एजेंसी देने का सुझाव देने वाले एक बाबा समेत 5 लोगों के खिलाफ चेले की ही शिकायत पर ठगी के आरोप में FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल शिकायतकर्ता ने बाबा के कहने पर एजेंसी के लिए दूसरे आरोपियों को करीब 22 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसके साथ ठगी की गई है और बाबा को इसमें 4 लाख रुपए का कमीशन मिला है। इसके बाद मामले की शिकायत थाने के नवघर पुलिस स्टेशन में की गई। भायंदर पूर्व के इंद्रलोक इलाके में रहने वाले शिकायतकर्ता तपस गोकुल बाग ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 7 नवंबर 2018 को मूल रूप से झारखंड के रहने वाले दानेश्वर ओझा नाम के बाबा को पूजा के लिए बुलाया था। इस दौरान ओझा उनके घर पर करीब 10 दिनों तक रहे। बातचीत के दौरान उन्होंने तपस से कहा कि उनकी पहचान के एक कारोबारी है, अगर तपस उनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ले तो उन्हें मोटा मुनाफा होगा। तपस को बाबा पर बेहद यकीन था, इसीलिए वो फौरन इसके लिए राजी हो गए। बाबा ने तपस की मुलाकात खुद को कंपनी का मालिक बताने वाले रितेश पटेल से कराई। इसके बाद सुमित पांडे, राजपाल वर्मा और राजेंद्र सिंह गोरेवाल नाम के आरोपियों से तपस की मुलाकात हुई। इस दौरान फ्रेंचाइजी के नाम पर उनसे 21,90,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन आरोपियों ने एग्रीमेंट तक नहीं बनाया। पता चला कि दानेश्वर ने उनसे पैसे दिलाने के लिए कारोबारी से 4 लाख रुपए का कमीशन लिया था। पुलिस FIR दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी और मनसे के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के बेटे सुजात आंबेडकर ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे तथा मनसे नेता अमित ठाकरे को मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी है। सुजात ने कहा कि मैं राज के बयान का समर्थन करता हूं, लेकिन उनसे मेरी केवल एक ही मांग है कि वे अपने बेटे अमित को मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भेजे। इसके जवाब में मनसे के नेता अखिल चित्रे ने कहा कि सुजात पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा को बोलकर दिखाए और उसे आचरण में उतारे, इसके बाद वे दूसरे को ही सलाह दे। दूसरी तरफ भाजपा की सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारी राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पाठ करने की मनसे अध्यक्ष ठाकरे की भूमिका का विरोध किया है। आठवले ने कहा कि मैं राज की भूमिका से सहमत नहीं हूँ। मस्जिदों के पास आमने सामने लाउडस्पीकर लगाने से विवाद पैदा हो सकता है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट करके राज की तारीफ की है। राणे ने कहा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने भाजपा से गद्दारी की है, लेकिन शिवसेना ने उनसे भी बड़ी गद्दारी हिंदुत्व से की है। मोबाइल कंप्यूटर और टीवी के जरिए आभासी दुनिया में खोए युवकों को किताबों की दुनिया की ओर खींचने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने एक अनोखी पहल की है। इसके लिए मुंबई के 24 उद्यानों में मुफ्त लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। यहाँ आकर कोई भी प्राकृतिक वातावरण में किताबें पढ़ने का आनंद उठा सकता है। इसके लिए कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत निधि जुटाई जा रही है। मुंबई महानगर पालिका के उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी ने कहा कि मुंबई के सभी 24 वार्डों में एक एक उद्यानों में प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू किया जा रहा है। अगले 3 महीनों में सभी उद्यानों में मुफ्त लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। CSR योजना के तहत कई लोग मदद के लिए आगे आए हैं। जिन उद्यानों में छोटी इमारत बनी हुई है वहाँ किताबें रखने के लिए अलमारी बनाई जाएगी। यहाँ आकर लोग किताबें निकाल कर पढ़ेंगे और वापस जाते समय फिर उसे रख देंगे। परदेशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान घरों में कैद रहने को मजबूर लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब बड़ी संख्या में उद्यानों में आने लगे हैं। ऐसे लोगों को मुफ्त लाइब्रेरी के जरिए समय के बेहतर सदुपयोग का विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इससे पठन पाठन की लुप्ति होती जा रही संस्कृति को नई संजीवनी मिलेगी। प्रयोग सफल हो रहा तो महानगर के ज्यादातर उद्यानों में इसे लागू करने की कोशिश की जाएगी। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक शख्स ने सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं महंगाई पर हल्ला बोल तेज है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा को वोट मतलब महंगाई को मेंटेन। तो शिवपाल यादव ने फिर से राजनीति के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। एक ट्वीट में रामायण की चौपाई के साथ उन्होंने भगवान राम को परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया है। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेप का एक इनामी अपराधी गले में तख्ती लटका कर परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचा और जान की भीख मांगने लगा। इसी बीच ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की महारसोई के 40 चूल्हे टूटे हुए मिले। घटना की जांच की जा रही है। देश भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक शख्स ने सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोपी का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। माना जा रहा है कि अपराधी घटना के जरिए कोई बड़ा संदेश देना चाहता था। दूसरी तरफ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले की खबर मिलते ही पुलिस अफसर मौके पर दौड़ पड़े। गोरखपुर से लखनऊ तक अफसरों के मोबाइल फोन घनघनाने लगे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरी घटना की जानकारी ली गई है। बता दे कि पुलिस के गिरफ्त में आए अहमद मुर्तजा अब्बासी ने IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। अक्टूबर 2020 से गोरखपुर आकर रहने लगा। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि अहमद मुर्तजा अब्बासी शनिवार को ही घर से निकला था। घर से किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अपने कमरे में से भी बहुत कम निकलता था। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार और गोरखनाथ थाने की तरफ लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस CCTV फुटेज के माध्यम से जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी अकेला था या फिर उसके साथ कोई और व्यक्ति आया था।
अगर कोई मददगार था तो वह कौन था। एटीएस की टीम घटनास्थल पर मिले बैग को बरामद लैपटॉप की गहनता से छानबीन कर रही है। देश में महंगाई की मार ने आम जनता की हालत पस्त कर दी है। सबसे ज्यादा परेशानी ईंधन तेलों को लेकर देखी जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी तो रुला ही रही है, वही सीएनजी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी चार दिन पहले ही सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन सोमवार को इंद्रपत गैस लिमिटेड ने दिल्ली में फिर से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए है, वो भी सीधा 2.5 रुपए। दिल्ली में अब 2.5 रुपए की कीमत के साथ सीएनजी की कीमत 64.11 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यह लगभग एक महीने में व्यक्त में सीएनजी के दामों में 7वीं वृद्धि है। नए रेट आज ही से यानी सोमवार 4 अप्रैल 2020 से लागू हो रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल भी जारी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा को वोट मतलब महंगाई को मैंडेट। मोदी सरकार में अब हर सुबह उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है फ्यूल लूट की नई किस्त। बता दे कि 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर ये 8.40 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में हुई बढ़ोतरी को इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। हालांकि आज कच्चा तेल कुछ सस्ता हुआ है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के पीछे पिछले दिनों हुई बेतहाशा वृद्धि को कारण माना जा रहा है। शिवपाल यादव ने फिर से राजनीति के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है जिसमें रामायण की चौपाई के साथ भगवान राम को परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया है। बीते कुछ दिनों से शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही है। दो दिन पहले ही शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट पर फॉलो किया था। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया था। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव की इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो चुकी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने बीते शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनानी थी, लेकिन इससे पहले सपा में एक बार फिर अंदरूनी झगड़े की आहट सुनाई देने लगी और अखिलेश यादव ने एक बार फिर चाचा शिवपाल यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी उम्मीदवार पर पानी फेर दिया। कहा जा रहा है कि इस तेवर के चलते अखिलेश के परिवार वाले उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह के शिवपाल सिंह यादव कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं और शिवपाल के जाते ही मुलायम परिवार की पीढ़ी की सियासत सपा खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खौफ अपराधियों में घर करने लगा है। गोंडा में रेप का एक इनामी अपराधी गले में तख्ती लटकाकर परिजनों के साथ कोतवाली पहुंच गया। जान की भीख मांगने लगा, वह पुलिस से रहम की गुहार लगा रहा था। उसके गले में लटकी तख्ती पर लिखा था, साहब मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, मुझे गोली मत मारो। बता दे कि गोंडा में कोतवाली थाना इलाके में 30 मार्च को गैंग रेप का मामला सामने आया था। मामले में दलित नाबालिग पीड़ित की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू की गई थी। आरोपियों के खिलाफ इनाम की भी घोषणा की गई थी। पुलिस और एसओजी की टीम ने 25,000 के दो इनामी आरोपियों रजा अली और रिजवान को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। 2 अप्रैल को पुलिस बुलडोजर के साथ तीसरे आरोपी इजराइल के घर पहुंची थी। पुलिस की अपराधियों के खिलाफ जारी कार्रवाई से इजराइल काफी घबराया हुआ था। 25,000 का यह इनामी आरोपी दहशत के बीच थाने में सरेंडर करने पहुंचा। उसने गले में तख्ती लटका रखी थी जिस पर गोली न मारने की अपील लिखी गई थी। सरेंडर करने के बाद आरोपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस प्रकार की चेतावनी और कार्रवाई के डर से कोतवाली आकर सरेंडर कर रहा हूँ। एसपी संतोष मिश्रा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की महारसोई के 40 चूल्हे टूटे हुए मिले। घटना का पता रविवार सुबह चला जब सकल धूप प्रसाद बनाने के लिए रसोई घर खोला गया। पुलिस और मंदिर प्रशासन मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाप्रसाद मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन चूल्हों को 2 दिन के अंदर ही सही कर लिया जाएगा। पुरी कलेक्टर समर्थ वर्मा के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस घटना में सेवादारों का हाथ ही हो सकता है, क्योंकि केवल सुआरा यानी भोजन बनाने वाले ही रसोई घर में एंट्री मिलती है। बहरहाल इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2022 में तीसरी लहर के दौरान लगभग 21 दिनों तक बंद रहने के बाद 12वीं सदी के मंदिर को 21 फरवरी से जनता के लिए खोल दिया गया था। पहले मंदिर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलता था, लेकिन 20 मार्च से रविवार को भी खुलने लगा है। दर्शन करने वालों के लिए अब
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। रसोई घर में 32 कमरे हैं। यह रसोई एक एकड़ में फैली है। यहाँ हर दिन करीब 300 क्विंटल चावल बनाया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। रसोई घर में 240 चूल्हे हैं, जिन पर खाना बनाने की अनुमति केवल सुआरा यानी रसोईया को होती है। ये सभी चूल्हे और प्रसाद बनाने वाले बर्तन मिट्टी के होते हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने तरावी की नमाज को न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर की सड़क पर अदा किया। इस पर बहस छिड़ गई है। तो श्रीलंका का शासन राजपक्षे परिवार के हाथों का खिलौना बना हुआ है। वहीं चीन के शंघाई शहर में कोरोना संक्रमण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की बर्बरता दुनिया के सामने एक एक करके आ रही है। लाशों से शहर पटा हुआ है, महिलाओं से रेप के साक्ष्य मिल रहे हैं। उधर पाकिस्तान को लेकर अब सवाल है कि क्या इमरान देश के सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा में खरे उतरेंगे। दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने तरावी की नमाज को न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर की सड़क पर अदा किया। अपनी तरह की इस दुर्लभ घटना में हजारों की तादाद में मुस्लिम इकट्ठा हुए और रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने पर तरावी की नमाज पढ़ी। आयोजकों ने कहा कि हम सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहते थे जो इसके बारे में नहीं जानते थे। इस्लाम शांति का धर्म है। मुसलमानों का पवित्र रमजान महीना शनिवार को शुरू हुआ है। चांद दिखाई देने के बाद रमजान का ऐलान किया गया था। इसी बीच मुस्लिमों के सड़क पर नमाज पढ़ने से सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। कई लोग जहां टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय UAE निवासी हसन सजवानी लिखते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को असुविधा होती है। अकेले न्यूयॉर्क में 270 से ज्यादा मस्जिदें हैं और नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा स्थान है। अपने धर्म का प्रदर्शन करने के लिए लोगों का रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं है। ये वह नहीं है जो इस्लाम हमें सिखाता है। खलीफा नामक यूजर ने भी लिखा है कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन टाइम स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का समर्थन नहीं करता हूँ। ये गलत संदेश दे सकता है कि इस्लाम आक्रमण या घुसपैठ करने वाला है, इसलिए मस्जिदों में ही नमाज पढ़े। पड़ोसी देश श्रीलंका के सियासी आसमान पर भी एक ही परिवार छाया हुआ है, वो है राजपक्षे परिवार। श्रीलंका का शासन चार भाइयों जमाल राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे और बाजिल राजपक्षे के साथ साथ उनके वंशजों के हाथ का खिलौना बना हुआ है। राजपक्षे परिवार उसी हम्बनटोटा जिले के एक गांव गिरुआ पट्टुआ से आता है, जहां के बंदरगाह को चीन के हाथों गिरवी रखा गया है। ये मूलतः जमींदार परिवार रहा है, जिसने वर्ष 1936 में पहली बार सियासत में कदम रखा और तब से ही इस परिवार के एक एक सदस्य राजनीति से जुड़ते चले गए। राजपक्षे बंधुओं के पिता DA राजपक्षे 1947 से 1965 तक सांसद रहे, फिर 1970 में महिंदा राजपक्षे पहली बार सांसद बने और 2004 में वो प्रधानमंत्री बन गए। फिर 2005 के राष्ट्रपति चुनाव में महिंदा राजपक्षे की जीत हो गई। फिर क्या था, महिंदा ने एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों को सरकार के प्रमुख पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सबसे छोटे भाई बाजिल राजपक्षे को मंत्री बनाने के लिए देश का संविधान भी बदल दिया गया। महिंदा और गोटबाया ने अपने चौथे भाई को राष्ट्रीय राजनीति में लाने के लिए संविधान में संशोधन कर इस दोहरी नागरिकता रखने वालों पर लगी पाबंदियां हटा दी। मजेदार बात है कि बाजिल को वित्त मंत्री बनाया गया, जिसका प्रभार महिंदा के पास था। चीन के शंघाई शहर में कोरोना वायरस संक्रमण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शंघाई में कोरोना वायरस के बेकाबू होने से चीन टेंशन में आ गया है और उसने सेना की तैनाती की है। यही नहीं, हजारों की तादाद में स्वास्थ्य कर्मियों को शंघाई भेजा गया है, ताकि शहर के 2.6 करोड़ लोगों का टेस्ट किया जा सके। चीन की सेना PLA ने 2 सैन्य डॉक्टरों को पूरे देश से शंघाई भेजा है। चीन के अन्य प्रांतों से भी हेल्थ वर्कर्स को शंघाई भेजा गया है। शंघाई में हजारों मामले हर दिन आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन के कई क्षेत्रों से करीब 10,000 चिकित्सा कर्मी हाल ही के दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए शंघाई पहुंचे हैं। दरअसल शहर में संक्रमण बढ़ रहा है, ये जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी। रिपोर्ट के अनुसार तियानजिन और हुबेई, जिगैनशी
और शेडोंग प्रांतों सहित क्षेत्रों के हजारों मेडिक्स 10 हाई स्पीड ट्रेनों से मेगा सिटी पहुंचे। तियानजिन के जिनान जिले में एक मेडिकल टीम के प्रमुख हाउ शुआन ने कहा कि हमारी टीम के सभी 30 सदस्यों ने स्वेच्छा से काम किया है, जिनमें से कई ने हुबेई में महामारी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। शंघाई म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन के अनुसार कुछ मेडिकल टीमें पहले से ही अस्थायी अस्पतालों में काम कर रही हैं और हल्के मामलों और बिना लक्षण वालों की मदद करने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 40वां दिन है और इस भीषण युद्ध में रूसी सेना की बर्बरता अब दुनिया के सामने एक एक करके सामने आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे बूचा इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया गया है और यहां पर 410 शव मिले हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि बूचा में रूसी सेना के चेचन लड़ाकुओं ने नरसंहार किया है। हालत ये थी कि इस इलाके में जब कई दिनों के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा घुसी तो उसे सड़कों पर हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दी। इन लाशों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जिसे माना जा रहा है कि उन्हें प्रताड़ित करके गोली मारा गया था। रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन बूचा से आ रही तस्वीरें दिल को दहला दे रही है। बूचा में इतनी ज्यादा लाशें मिल रही है कि उन्हें दफनाने के लिए 45 फीट लंबा गड्ढा खोदना पड़ा है। बूचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शव मिले हैं, जिसे उनके साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक सहयोगी से कहा कि यूक्रेन की सेना को ऐसी महिलाओं के शव मिले हैं जिनके साथ रेप किया गया था। उन्होंने कहा कि बूचा में मिले शवों पर यातना देने के निशान मिले हैं। उनके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, उनके पीछे से गोली मारी गई थी। जेलेंस्की के प्रवक्ता ने कहा कि युद्धापराध की तरह से दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज तो कर दिया गया, लेकिन अब सवाल है कि क्या इमरान देश के सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा में खरे उतरेंगे। पाकिस्तान के विपक्षी दल जहां फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वालों ने राजनीतिक स्थिति पर संज्ञान लिया है। मामले में सुनवाई के लिए खास तौर पर एक विशेष बेंच का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस ने दो अन्य जजों के साथ मामले पर खास तौर पर बैठक ली। चीफ जस्टिस उमर ने कहा कि यहाँ एक जरूरी मामला है, सभी राजनीतिक दलों और राज्य के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष एहसान भूल ने कहा कि प्रधानमंत्री और असेंबली के उपाध्यक्ष की कार्यवाही संविधान के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाने के बाद कहा कि मैंने बताया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे खिलाफ देश में साजिश की गई थी। विपक्ष के नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। इसी बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने जो किया है वो कानून के खिलाफ है, हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, उपाध्यक्ष ने भी अलोकतांत्रिक काम किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान एक गद्दार है, उन्होंने एक असंवैधानिक कदम उठाया है और हम नेशनल असेंबली में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।